हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमारी अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है। और उसमें हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपको एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया था। और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा के प्रकार, तो जो शिक्षा के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वे तीन प्रकार के होते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। कहने का मतलब है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो ये हमारे शिक्षा के तीन प्रकार हो गए, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यकता है कि ये शिक्षा होती क्या क्या है, ये कैसी शिक्षा होती है जिसको औपचारिक नाम दिया गया, निरौपचारिक नाम दिया गया और अनौपचारिक नाम दिया गया। तो अभी हम सबसे पहले इनका मीनिंग जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन का अर्थ होता है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है ये बहुत ही योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है, जो प्रायः विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। ठीक है, तो इस शिक्षा से सभी कोई भली भांति परिचित होता है। इसमें क्या होता है कि एक समय विशेष के अंदर, एक संस्था विशेष के अंदर, एक समय सारणी के अंदर, एक विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ, एक कृत्रिम वातावरण के साथ और एक समूह में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है, आपका व्यक्तिगत विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास, उस पर ध्यान दिया जाता है। और मुख्य इसमें होता है कि बालक के व्यवहार को समायोजित करना होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है, उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण डालना होता है। और इसमें परीक्षा प्रणाली होती है, इसमें डिग्री का प्रावधान होता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अपना कक्षा का पूरा साल कंप्लीट करने के बाद, उससे फाइनल ईयर के एग्जाम देने होते हैं, उस एग्जाम को पास करने के बाद उसे डिग्री प्राप्त होती है। तो उस डिग्री उसके विकास का आधार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा होती है टोटल कृत्रिम होती है, और इसमें बालक को मुख्य केंद्र माना जाता है और बालक के रुचि रुझान के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा, विशेष पाठ्यक्रम के द्वारा और विशेष परीक्षाओं प्रणाली के माध्यम के द्वारा बालक का व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ये शिक्षा पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होती है, बालक का केंद्र बिंदु मानकर, उसको ध्यान में रखकर हम औपचारिक शिक्षा देते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी चीजें डिसिप्लिन्ड होती है, इसमें अनुशासन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत ही विशेष शिक्षा होती है, बहुत ही विशेष शिक्षा होती है। और इसकी एजेंसी देखें तो क्या है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एटसेक्टर। तो यानी कि जो स्कूल में हम पढ़ते हैं और जो हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जो विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो वहां पे जो परीक्षा, जो शिक्षा का प्रावधान है, वही शिक्षा हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो फॉर्मल एजुकेशन किसके अंदर हो गई, समय सारणी के अंदर हो गई और विशेष स्थान के अंदर हो गई, संस्थान के अंदर हो गई और विशेष मानदंडों के द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा होती है पूर्ण रूप से औपचारिक होती है और इसमें बालक को कृत्रिम वातावरण के अंदर, एक कृत्रिम वातावरण के अंदर वास्तविक भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी बात है कि उसके ऊपर बाह्य बल देकर और आगे आने वाले भावी जीवन के लिए उसे तैयार किया जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वे बालक के लिए, उसके बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। और फॉर्मल एजुकेशन जो है एक योजनाबद्ध, एक पर्पसफुल, एक उद्देश्यपूर्ण
प्रक्रिया होती है और शिक्षा का ये प्रावधान होता है, और इसमें बालक जो है दक्षता हासिल करता है, डिग्री प्राप्त करता है। तो ये तो बात थी हमारे फॉर्मल एजुकेशन की। अब बात आती है हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा की। तो निरौपचारिक शिक्षा को समझने के लिए सबसे पहले हमें औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन शिक्षा को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन, बात इनफॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ये जो बालक जब जन्म लेता है, तो ये जन्म के समय से ही ये प्रक्रिया जो है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा उसकी स्टार्ट हो जाती है। बालक जो होता है सबसे पहले अपनी माँ से सीखना प्रारंभ करता है। होता क्या है कि बालक परिवार को, बालक के घर को उसकी प्रथम पाठशाला कहा गया है और उसकी माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये बालक के जिंदगी भर उसके जीवन पर्यंत अविरल अनवरत चलती रहती है। तो ये जो शिक्षा होती है बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया होती है, और ये शिक्षा में बालक वास्तविक परिस्थितियों में सीखता है, ना कि वो कृत्रिम वातावरण में सीखता है। तो ये वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष अनुभव लेकर उन अनुभवों को अपने अंदर वो समाहित करता रहता है, ग्रहण करता रहता है, और विषम परिस्थितियों में तुरंत अपने अनुभव किए हुए ज्ञान का प्रयोग करके अनौपचारिक माध्यम से उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है बालक के प्रारंभिक स्तर से उसके मृत्यु परंत तक चलती रहती है। तो अनौपचारिक शिक्षा ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका रखती है। तो हम देखें अगर इसकी एजेंसीज क्या क्या हैं, तो इसकी एजेंसीज हैं होम एंड फैमिली, यानी कि घर और परिवार। क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? घर और परिवार से होती है। एक बात और कि बालक जब फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण करने जाता है, यानी कि जब औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो वे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर चुका होता है। मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाती, क्योंकि ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मेरे कहने का है कि वे औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते करते अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हुए वे औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले उसकी एजुकेशन होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसकी एजेंसीज होती है होम एंड फैमिली, उसका घर और परिवार, सोसाइटी यानी कि समाज। समाज से बालक बहुत सीखता है, जैसे कि मंदिर है, ठीक है। और मंदिर के अंदर अगर हम जब भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे जूते चप्पल हम बाहर उतार देते हैं। तो ये हमने कैसे सीखा? ये हमने दूसरे के व्यवहार को करते करते देखा, तो वो चीजें हम अनुकरण करने लगते हैं। तो यानी ये जो अनुकरण करने की प्रक्रिया होती है वे हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो बहुत ऐसे संगठन बनाए जाते हैं जिसमें शिक्षा को जो बेसिक रूप प्रदान किया जाता है, कम्युनिटी, समुदाय, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये तो जितने भी हमारे संचार साधन के जितने भी हमारे संचार साधन है, बस अब हमारे मास मीडिया के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से, रेडियो से और ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा सब प्रकार से हम इस मास मीडिया के अंतर्गत अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स, इसमें आ जाएगा पार्क यानी खेल के द्वारा भी, तो खेल से भी तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, खेल खेल में भी तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पे भी तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम देखते हैं लोग कैसा आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो उस प्रकार से जो इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो अनवरत अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक जो है अनौपचारिक रूप से सीखता है और वास्तविक परिस्थितियों में सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखता है, अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है। यह शिक्षा जो होती है प्रत्येक बालक के, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज्यादा अहम भूमिका यानी कि इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो मैंने आपको बताया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को समझना होगा। और फॉर्मल एजुकेशन हमने क्या समझा कि किसी समय स्थान विशेष के अंतर्गत, किसी समय सारणी के अंतर्गत और किसी उद्देश्यपूर्ण परियोजनापूर्ण हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और ये किसी उद्देश्य से नहीं की जाती, किसी पर्पज से नहीं की जाती है, किसी समय विशेष स्थान पर नहीं की जाती, कभी भी कहीं भी किसी से भी हमको प्राप्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन आती है, तो इसमें क्या होता है,
हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि निरौपचारिक शिक्षा, हमारी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है, यानी कि इन दोनों रूपों का ये समन्वय होता है। इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, कोई विशेष स्थान नहीं होता है, विशेष समय सारिणी नहीं होती है। और क्या होता है कि इसके लिए आपको ये फोर्स नहीं है, कोई बल देकर आपको नहीं पढ़ाना, बहुत ही सारी चीजें इसमें औपचारिक शिक्षा वाली है। इसमें पाठ्यक्रम भी होगा लेकिन इसमें समय सारिणी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन समय सारिणी ये नहीं कि ये डेली वाली समय सारिणी ना, इसमें भी क्या होता है कि हम परीक्षाएं देते हैं, हम डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें वे लोग आते हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच से उनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, और इसमें कामकाजी महिलाएं आ जाती हैं जो बचपन से पढ़ना चाहती थी लेकिन किसी अवरोध के कारण वो नहीं पढ़ पाई। इसमें ऐसे भी व्यक्ति लोग आते हैं जो एडल्ट हो जाते हैं और पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो इसमें एडल्ट के लिए भी शिक्षा का प्रावधान होता है। और इसमें ऐसे भी लोग आते हैं जो और इसमें ऐसे भी लोग आते हैं जिसके अंदर पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा होती है लेकिन वे किसी कारण बस नहीं पढ़ पाते हैं, वे किसी काम को करने में लगे हैं और साथ ही साथ कोई पोस्ट भी करना चाहते हैं, तो भी ये शिक्षा उनके लिए बहुत प्रभावी होती है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा की एजेंसीज होती हैं वो होती हैं ओपन स्कूल्स, डिस्टेंस लर्निंग स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज और आदि, ठीक। तो ओपन स्कूल मतलब जो खुले विद्यालय होते हैं, खुले विद्यालय उन्हीं के लिए होते हैं जिसमें सभी लिए शिक्षा के द्वार खुले होते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, जो दूरस्थ शिक्षा होती है यानी कि घर बैठे हम डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे हम एग्जाम भी दे सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, और घर बैठे हम जो है पूरी शिक्षा एज अ फॉर्मल एजुकेशन की तरह प्राप्त कर सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन जो हमारे युवा पीढ़ी है जो किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए, तो जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो भी इसमें शामिल होती है। कंटिन्यूअस एजुकेशन जो सतत चलने वाली शिक्षा होती है वो भी इसमें शामिल होती है। करेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार के माध्यम से जो कोर्सेज होते हैं उनको भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा टाइप्स, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो निरौपचारिक शिक्षा है वे फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का मिला जुला रूप है, और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है ये है हमारा जो है एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है, और ये उद्देश्यपूर्ण शिक्षा नहीं होती, ये कभी भी कहीं भी हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन की जो एजेंसीज हैं वह है स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम ओपन स्कूल्स की बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, और हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, कंटिन्यूअस एजुकेशन की बात करते हैं, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात करते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन में हम होम एंड फैमिली, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, मास मीडिया एंड स्पोर्ट्स, तो इन ये जो एजेंसीज हैं ये हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन की हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वह है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हमारी आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन एजुकेशन की और वोकेशनल एजुकेशन की, ठीक है। तो आप लोग जो है इस फिगर को उतार लीजिए, और अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए।